तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर रूओ इंपीरियल सिटी के सभी लोगों को उन डिफेक्टिव पिल्स के बारे में बता देते हैं, साथ ही साथ वह उनसे बोलते हैं कि जिन भी लोगों ने उन पिल्स को पिल पवेलियन से खरीदा था वह उन लोगों के पैसे वापस कर देंगे और उन लोगों का इलाज भी फ्री में करेंगे। अब यह सुनकर वह लोग काफी परेशान हो जाते हैं जिन्होंने लैंग फैमिली से उन पिल्स को खरीदा था, और अब वह सभी लोग लैंग फिफेंग पर चिल्लाने लगते हैं। यह देखकर लैंग फिफेंग उन सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करता हुआ बोलता है, इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है हमारी लैंग फैमिली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेगी। तभी उस जगह पर क्वेंचैन आता हुआ बोलता है, तो तुम उन पिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो? मजाक करना बंद करो, तुम्हें पता भी नहीं है कि वह पिल्स कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और तुमने जितनी मात्रा में वह पिल्स इन लोगों को बेची है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन लोगों का इलाज कर सकते हो? यह सुनते ही लैंग फिफेंग बोलता है, बकवास करना बंद करो। क्वेंचैन बोलता है, तो तुम्हें लग रहा है कि इस जगह पर बकवास मैं कर रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम सभी लोग ब्लडलाइन होली लैंड में खुद जाकर इस बारे में पता कर सकते हो। अब यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग लैंग फैमिली के लोगों पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है, मेरे पिल पवेलियन ने उन पिल्स पर काफी ज्यादा रिसर्च की, जिसके बाद हमें पता चला कि उन पिल्स के अंदर फिनिक्स ऑर्चिड की मात्रा काफी ज्यादा है, और अगर फिनिक्स ऑर्चिड को ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो इसे यूज करने वाले पर्सन की ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय होने लगती है, और यह बात पता चलते ही हमने उन पिल्स को बेचना बंद कर दिया। साथ ही साथ हमारे पिल पवेलियन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इंपीरियल सिटी में मौजूद वॉरियर्स की ब्लड लाइन खराब हो। और अब क्वेंचैन हिनू से बोलकर उस जगह पर काफी सारे फिनिक्स ऑर्चिड मंगाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि इन फिनिक्स ऑर्चिड की कीमत मिलियंस ऑफ ग्रेट स्टोन होगी। तभी क्वेंचैन बोलता है, फिनिक्स ऑर्चिड एक काफी खतरनाक चीज है जिसके यूज से इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, इसीलिए हमारा पिल पवेलियन चाहता है कि आज के बाद पिल मार्केट में कभी भी फिनिक्स ऑर्चिड दिखाई ना दे और ना ही इसका यूज किया जाए। और यह बोलता हुआ क्वेंचैन उन फिनिक्स ऑर्चिड को जला देता है, और अब हेनू और मास्टर रूओ भी आगे आकर उस जगह पर मौजूद सभी फिनिक्स ऑर्चिड को जलाने लगते हैं। यह देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वहीं यह सब देखकर लैंग फिफेंग का सर घूमने लगता है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने कई बिलियन स्पिरिट स्टोन खर्च करके काफी ज्यादा मात्रा में फिनिक्स ऑर्चिड को खरीदा था, पर अब फिनिक्स ऑर्चिड की कोई भी वैल्यू नहीं रही। तभी क्वेंचैन बोलता है, हमारे पिल पवेलियन के पास जितना भी फिनिक्स ऑर्चिड मौजूद था हमने उन सभी को जला दिया, और मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास भी फिनिक्स ऑर्चिड मौजूद हो तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर दें, जिससे फ्यूचर में आप लोगों के साथ ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, और जिन भी लोगों ने पिल पवेलियन से उन पिल्स को खरीदे थे वह आज से ही पिल पवेलियन में अपना इलाज करवाने के लिए आ सकते हैं। अब यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग क्वेंचैन की जय जयकार करने लगते हैं और उसे थैंक्स करने लगते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है, एक और बात, इस जगह पर लैंग फैमिली ने आप लोगों को डिफेक्टिव पिल्स बेचकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, इसके लिए आप लोगों को उनके खिलाफ कोई एक्शन उठाना चाहिए, और तो और मैंने पहले ही रॉयल फैमिली को लेटर लिखकर उन्हें इस बारे में बता दिया है, तो अब इंपीरियल सिटी के ऑफिसर्स ही लैंग फैमिली से इस बारे में निपटेंगे। यह सुनते ही सभी लोग क्वेंचैन की तारीफ करने लगते हैं, साथ ही साथ वह सभी लोग लैंग फिफेंग से अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। अब यह सब देखकर लैंग फिफेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और अब वह अपने मैनेजर से उस जगह पर लैंगपो को बुलाकर लाने के लिए बोलता है, साथ ही साथ वह उस जगह पर भड़के हुए लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पीछे खड़ा क्वेंचैन उन लोगों को और भी ज्यादा भड़का रहा होता है और लैंग फिफेंग से बोल रहा होता है, लैंग फिफेंग आखिर तुम इनके पैसे वापस क्यों नहीं कर देते? अब यह देखकर लैंग फिफेंग को काफी गुस्सा आता है, और अब वह काफी गुस्से में अपने पावर को रिलीज करता हुआ क्वेंचैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर उसी वक्त मास्टर रूओ लैंग फिफेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देते हैं, जिसके बाद वह लैंग फिफेंग की बेइज्जती करते हुए बोलते हैं, लैंग फिफेंग तुम्हारी लैंग फैमिली इंपीरियल सिटी के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है,
और इस जगह पर तुमसे गलती हुई है, पर इसके बाद भी तुम यहाँ पर मौजूद लोगों के पैसे नहीं देना चाहते हो। और यह सब देखकर मैं शांत नहीं बैठूंगा, क्योंकि तुमने पिल मार्केट के अंदर घुसकर हमारे पिल मार्केट को खराब करने की कोशिश की है। यह सुनकर लैंगफी फेंग को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है, तुम लोग सच में काफी ज्यादा क्रूर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ यह करोगे, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था और अब वह वहां पर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर सभी लोग लैंग फैमिली से अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं। तभी उस जगह पर लैंगपो पहुंच जाता है और गुस्से में बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे लैंग फैमिली के शॉप के बाहर शोर मचाने की। तभी सभी लोग लैंगपो की ओर देखते हैं और वह सभी लोग नोटिस करते हैं कि लैंगपो मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर होता है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, यह तो लैंगपो है, लैंग फैमिली का प्रीवियस मास्टर, तो क्या यह अभी तक जिंदा है। और अब सभी लोग चिल्लाते हुए लैंगपो से भी अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। वहीं खड़ा लैंगपो सोच रहा होता है, यह सब कुछ स्टार्टिंग से ही क्वेंचैन की चाल थी। तभी क्वेंचैन बोलता है, मास्टर लैंगपो, मैं मानता हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप इंपीरियल सिटी के रूल्स को इस जगह पर तोड़ सकते हो। और तो और आपके लैंग फैमिली ने इंपीरियल सिटी के आधे से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है, तो आपको इन सभी लोगों की भरपाई करनी ही होगी। तभी लैंगफी फेंग खड़ा होता हुआ लैंगपो को उस बारे में सब कुछ बताता हुआ बोलता है, यह स्टार्टिंग से ही पिल पवेलियन की चाल थी और अब हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। यह सुनकर लैंगपो को काफी गुस्सा आता है और अब वह काफी तेजी में क्वेंचैन पर अटैक कर देता है, पर तभी मास्टर जुओ बीच में आते हुए क्वेंचैन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।